Good morning and welcome back. The topic of today's lecture is insulation and heat budget, Surya Tap एवं Tap budget. मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी. धरातल पर समस्त जैविक और अजैविक क्रियाकलापों का स्रोत सौर ऊर्जा है. सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे सूर्य तप, इंसुलेशन या सूर्य विताप, सौर ऊर्जा, सौर शक्ति या सौर विकिरण कहते हैं. इंसुलेशन शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, इन मतलब इनकमिंग, सोल मतलब सोलर और एशन मतलब रेडिएशन. इन तीनों का संधि विच्छेद है इंसुलेशन, जिसका अभिप्राय है पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण. केंडू के अनुसार सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में निरंतर विकिरित की जाने वाली संश्लिष्ट ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं. ट्रिवार्था के शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचलित और 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर्य विकिरण या सूर्य तप कहते हैं. सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा जो प्रकाश की गति से पृथ्वी पर पहुंचती है सूर्य तप कहलाती है. सूर्य की सतह से निरंतर विद्युत चुंबकीय लहरें या तरंगें प्रसारित होती रहती हैं. प्रकृति में समान होने पर भी सौर विकिरण अलग अलग तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के कारण अनेक प्रकार के होते हैं. विकिरण की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है. सामान्यतः कम लंबाई वाली अर्थात लघु तरंगों के विकिरण से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है. ऐसी तरंगों की लंबाई का माप माइक्रोन या म्यू इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है. एक माइक्रोन बराबर 1/10,000 सेंटीमीटर. सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण तीन प्रकार की तरंगों वाला होता है. इन्हें लंबाई के अनुसार लघु, मध्यम एवं लंबी तरंग वाली ऊर्जा कहते हैं. लघु तरंगों वाली ऊर्जा, इसमें तरंगों की लंबाई 0.44 माइक्रोन या कम होती है. इनका अधिकांश भाग वायुमंडल की ऊपरी परत, विशेषकर ओजोन परत द्वारा सोख लिया जाता है. इस वर्ग की अधिकांश ऊर्जा पराबैंगनी तरंग वाली होती है. कुल सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग ही ऐसा होता है एवं उसका भी मात्र 2% ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है. अधिकांश भाग वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन व ओजोन द्वारा सोख लिया जाता है. मध्यम तरंग वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा को अधिकांश भाग इसी वर्ग में आता है. इन तरंगों की लंबाई 0.44 से 0.84 माइक्रोन के मध्य होती है. इनका रंग सप्तवर्णी एवं उनसे बनने वाला प्रकाश सफेद होता है. इनका अधिकांश भाग भूतल तक आ जाता है. तीसरा है लंबी तरंग वाली ऊर्जा. इनकी लंबाई सबसे अधिक 0.84 से भी अधिक होती है. इनका रंग गहरा लाल से नारंगी के मध्य होता है. इनकी तीव्रता का बड़ा हिस्सा आयन मंडल की गैसें सोख लेती हैं. भूतल पर प्राप्त कुल सौर ऊर्जा की 6% लघु तरंग वाली, 52% मध्यम तरंग वाली एवं 42% लंबी तरंग वाली ऊर्जा होती है. सौर शक्ति का अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग होते हैं. इनमें नीले रंग की किरण सबसे छोटी और लाल रंग की किरण सबसे लंबी होती है. बात करें पृथ्वी के ताप बजट की, तो पृथ्वी की और सूर्य की जितनी ऊर्जा प्रसारित होती है उसका एक बड़ा भाग वायुमंडल की ऊपरी परतों से प्रतिबिंबित होकर पुनः बाह्य आकाश में विकिरित हो जाता है. शेष ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प अनेक प्रकार से ग्रहण करती रहती है. प्रारंभ में आयन मंडल एवं ओजोन मंडल सूर्य तप की अधिकांश घातक किरणों, एक्स, ब्रह्मांड, गामा, पराबैंगनी किरणों को अपने में अवशोषित कर लेते हैं. वायुमंडल की निचली परतों में उपस्थित जल वाष्प, धूल के कण और बादल मिलकर सूर्य ताप को बिखेर कर, परावर्तित कर एवं थोड़ी मात्रा में सोख कर मार्ग में ही खर्च कर देते हैं. इसके अतिरिक्त आते हुए सूर्य तप का 10% भाग जलमंडल की सतह द्वारा भी पृथ्वी को बिना गर्म किए वायुमंडल में पुनः परावर्तित कर दिया जाता है. इस प्रकार भूतल को मात्र 42 से 45% सूर्य तप ही प्राप्त होता है. इसमें थोड़ा सा अंतर आने पर भी भूतल पर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं. हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में बाधा,
तथा दूर संदेश में व्यवधान इसी कारण आता है। संपूर्ण सूर्य तप का 2% भाग पृथ्वी तल से सीधे ब्रह्मांड में परावर्तित हो जाता है। इससे बाहरी आकाश में पृथ्वी चमकीली दिखाई देती है। सूर्य से निकले कुल ताप का मात्र 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। सेलर्स के अनुसार वायुमंडल में प्रवेश करने वाली कुल 100% ऊर्जा का परिचालन या बजट निम्नानुसार है। अंतरिक्ष में परावर्तन, बादलों द्वारा 23% जो सूर्य तप मिलता है वो बादलों द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। गैसें, धूल कण और जल वाष्प द्वारा 6% सूर्य तप को वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। भूपृष्ठ, जलाशय और हिम और बालू द्वारा 7% जो सूर्य तप है उसको वापस आकाश में या अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। तो इसे करके कुल मिला के 36% जो सूर्य तप अपने आप आ रहा है पृथ्वी पर, उसमें से 36% पहले ही इन सभी साधनों के माध्यम से अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। फिर वायुमंडल में अवशोषण, बादलों द्वारा 3% सोख लिया जाता है, ओजोन व अन्य गैसों द्वारा 14%, कुल मिला के 17% जो सूर्य तप है वो वायुमंडल अपने में समा देता है या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। धरातल पर जो अवशोषण होता है वो 47% होता है, वो भी पुनः वायुमंडल को विकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें 36%, 17% और 47% इसका योग होता है 100%। तो ये है सूर्य तप के बजट का एक अनुमान। चूंकि सौर ऊर्जा का कोई भी भाग पृथ्वी स्वयं ग्रहण नहीं करती है एवं पृथ्वी तल पर आने वाला समस्त सूर्य तप विकृत होकर पुनः चला जाता है, अतः पृथ्वी को निरपेक्ष निकाय कहते हैं। पृथ्वी भूतापीय लहरों के माध्यम से अवशोषित सूर्य तप को वायुमंडल में विकृत करती है, इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों द्वारा सूर्य तप को विकिरित करता है। पृथ्वी की ओर आते हुए सूर्य तप का वितरण भी पृथ्वी के सभी भागों में समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। सूर्य इसके कुछ ही भागों में थोड़े थोड़े समय में लंबवत चमकता है, अतः सर्वाधिक सूर्य तप कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्यवर्ती भाग में वितरित हो जाता है। भूतल पर सूर्य तप की न्यूनतम प्राप्ति ध्रुवीय वृत्त तथा ध्रुवों के मध्य होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं और उन्हें विषुवत रेखा की तुलना में 4 से 11 गुना वायुमंडल को पार करना पड़ता है। कुल मिलाकर सूर्य तप के वितरण पर सबसे अधिक प्रभाव वायुमंडल में हुए इसके अवशोषण, परावर्तन एवं प्रकीर्णन की क्रियाओं को का पड़ता है। सर्वाधिक सूर्यताप निम्न अक्षांशों में प्राप्त होता है, अतः यहाँ वर्ष भर गर्म वातावरण बना रहता है। मध्यवर्ती अक्षांशों में सूर्यताप की प्राप्ति सूर्य की उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति के अनुसार रहती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो उत्तरी भाग के तापमान ऊंचे रहते हैं जो कि मार्च और सितंबर के मध्य, इससे ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति रहती है। अतः प्रत्येक गोलार्ध में गर्मी और सर्दी की स्पष्टतः 2 ऋतुएं होती हैं। ध्रुवीय या उच्च अक्षांशीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सदा तिरछी पड़ती हैं एवं विपरीत गोलार्ध में ध्रुवों पर महीनों तक सूर्य नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ सबसे कम सूर्य तप प्राप्त होता है। भूतल पर सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भूतल पर सूर्य तप का वितरण हमेशा एक जैसा नहीं है। यद्यपि सूर्य से पृथ्वी की ओर समान मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, किंतु पृथ्वी पर इसके वितरण को मुख्यतः निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला, सूर्य किरणों का कोण। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के निकट के भागों में ही सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। इसके उत्तर एवं दक्षिण की ओर इनका कोण बढ़ता जाता है। पृथ्वी अपनी समकोणीय स्थिति से 23.5 डिग्री के झुकाव पर रहती है, अतः सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध उत्तरायण की स्थिति में और शेष 6 महीने दक्षिणयान या दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य प्राय सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। अतः निचले अक्षांशों में पृथ्वी के अन्य भागों की तुलना में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है।
इससे कम सूर्य ताप मध्यवर्ती अक्षांशों पर प्राप्त होता है। अयन वृत्तों से ध्रुवीय वृत्तों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन की जो वृद्धि होने से ही स्थान विशेष पर सौर ऊर्जा कम प्राप्त होता है, जैसा कि आने वाले चित्र में दर्शाया गया है। तिरछी किरणें अधिक हिस्से में फैल जाने से उस स्थान विशेष को कम ताप मिलेगा। इसी कारण सबसे कम सूर्य ताप ध्रुवीय प्रदेशों को प्राप्त होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें भूतल से लगभग क्षैतिज स्थिति में होती हैं। अब आप इस स्थिति में देखिए, दो चित्र ऊपर दे रखे हैं। पहले में लंबवत किरणें पड़ रही हैं और दूसरी जो है वो तिरछी किरणों को भूतल पर प्रभाव पड़ रहा है। तो लंबवत किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो आप देखिए पहली किरण और दूसरी किरण के बीच में दूरी बहुत होती हो ज़्यादा हो जाती है। तो इस दूरी की वजह से जो सूर्य तक की जो गर्माहट है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि लंबे एरिया को ये कवर कर रही हैं। जबकि जो सीधी किरणें पड़ती हैं धरातल के ऊपर, उन सीधी किरणों में आप देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो कम है। दूरी कम होने की वजह से ये ताप में वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे ही दूसरा चित्र के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। किरणें सीधी पड़ रही हैं, वो कम क्षेत्र को गर्म कर रही हैं। तिरछी पड़ रही हैं, वो ज़्यादा क्षेत्र को गर्म कर रही हैं, इसलिए तिरछी किरणों में गर्माहट कम देखने को मिलती है। नीचे का जो चित्र है उसमें वायुमंडल की मोटाई का सूर्य ताप वितरण पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप देखिए भूमध्य रेखा जो कि केंद्र के अंदर है, भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, उनको कम दूरी तय करनी पड़ रही है वायुमंडल की, जबकि ध्रुवों के पास जो सूर्य की किरणें हैं उनमें वायुमंडल की मोटाई ध्रुव की ओर जाते जाते ज़्यादा हो गई है, इसलिए उनको वायुमंडल की मोटी परत पार करनी पड़ती है, इसलिए भी ध्रुवों के ऊपर सूर्य की गर्माहट है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। वायुमंडल की मोटाई अभी जो चित्र दिखाया था उसी संबंधित है। ये सूर्य तप सूर्य की किरणें वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक पहुंचाता है। विषुवत रेखा के निकट वायुमंडल की मोटाई सबसे कम होती है, अतः वहाँ सबसे अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। हम देख चुके हैं ये चित्र के अंदर। मध्यवर्ती अक्षांशों में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास सूर्य तप का वायुमंडल की दोगुनी मोटाई पार करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी रहकर वायुमंडल पार करती हैं। अतः यहाँ पहले वाली स्थिति में अपेक्षाकृत कम सूर्य तप प्राप्त होता है। इसी भांति 66.5 डिग्री अक्षांशों के पश्चात सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होने के कारण उन्हें विषुवत रेखा की तुलना में 4 गुना वायुमंडल अधिक पार करना पड़ता है, अतः यहाँ सबसे कम सूर्य तप प्राप्त होगा। इस प्रकार सूर्य किरणों को जितना अधिक वायुमंडल का मार्ग पार करना होगा, उतना ही अधिक सूर्य तप गैसों वाष्प धूल के कण अयन ओजोन विशेष गैसें बादल आदि द्वारा सूखने बिखेरने और परावर्तन की क्रिया द्वारा मार्ग में नष्ट होता जाएगा। जहाँ सूर्य तप कम प्राप्त होगा वहाँ सूर्य तापमान और गर्मी भी कम मिलेगी। ध्रुवों के निकट तो लगभग क्षैतिज स्थिति वाली किरणों को 7 वायुमंडल के बराबर की मोटाई पार करनी होती है। तीसरा कारक है दिन की लंबाई। पृथ्वी यदि अपने लंबवत अक्ष पर झुकी नहीं होती तो विश्व के सभी भागों में दिन रात की लंबाई साल भर समान रहती, किंतु ऐसा है नहीं। पृथ्वी लंबवत अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। सिर्फ 23 मार्च और 23 सितंबर को ही सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, तब विश्व भर में दिन रात बराबर होने से इसे विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। 22 दिसंबर और 21 जून को सूर्य क्रमशः मकर रेखा और कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे अयनांत 12 घंटे या सोलस्टिस कहते हैं। तब क्रमशः दक्षिणी एवं उत्तरी गोलार्ध में दिनों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। 21 जून को विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। यह कर्क रेखा पर 13 घंटे 48 मिनट और ध्रुवीय वृत्त पर जो कि 66.5 डिग्री है अक्षांश है उस पर 24 घंटे और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने 21 मार्च को सूर्योदय और 23 सितंबर को सूर्यास्त होता है। ठीक यही स्थिति 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध एवं दक्षिणी ध्रुव में रहती है। सूर्य तप दिन की लंबाई के अनुसार प्राप्त होता है। जून में उत्तरी गोलार्ध एवं दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होने से सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, किंतु
ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने और अधिक वायुमंडल की मोटाई पार करने के कारण सूर्य तक की सघनता ठीक उसी तरह घट जाती है जैसा कि किसी स्थान पर तिरछी किरणें और दोपहर में सीधी किरणों के मध्य की उष्णता में अंतर पाया जाता है। आप देखिए सुबह के टाइम जो है वो धूप गर्मियों में भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि दिन में जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो धूप में तेजी होती है और हमें वो बर्दाश्त नहीं होती। उपयुक्त जो तीन कारण है ग्लोब के सभी भागों में समान रूप से सूर्य ताप वितरण को प्रभावित करते हैं। अब ये जो चित्र है ये सूर्य ताप वितरण पर दिन के अवधि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप देखें जो बीच के जो भाग हैं 21 जून और 22 दिसंबर को, उसमें कैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, और 21 मार्च और 23 दिसंबर को कैसे हमें दिन और रात की अवधि में परिवर्तन नजर आ रहा है। चौथा कारक है जल थल का वितरण। पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। जल में गहराई तक किरणें पहुंचने, उसमें गतिशीलता रहने, भूमि से 2.5 गुना अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता होने, सूर्य तप का जल की सतह से परावर्तित होने एवं गर्मी का एक भाग वाष्पीकरण से नष्ट होने जैसी विशेषताओं के कारण पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसी प्रकार पानी की सतह से सूर्य तप का 30 से 50% भाग परावर्तित हो जाता है। अतः जल राशियां एवं समुद्र तटीय भाग धीमी गति से ठंडे और गर्म होते हैं। जो स्थान समुद्र के किनारे या द्वीपों पर है वहां सूर्य तप का प्रभाव समरूपी रहता है, अर्थात दिन रात एवं ग्रीष्म तथा शीतकाल के तापमान में विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में सूर्य तप की ऋतुवार प्राप्ति एवं तापमान का वितरण दोनों ही विषम रहते हैं। ऐसे भागों में गर्मियों में खूब गर्मी और सर्दियों में विशेष ठंड पड़ती है। पांचवा, सौर कलंकों की संख्या। जब भी सूर्य के तल पर अधिक बड़े कलंक पैदा होते हैं तो सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी संख्या कम होने पर विकिरण में न्यूनता दिखाई पड़ती है। सूर्य की सतह पर प्रति 11 वर्ष में एक बार सौर कलंकों में तेजी से वृद्धि होती है। तब तापमान, चुंबकत्व और रेडियो तरंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। छठा है, समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वहां सूर्य की किरणें तो प्रखर होती हैं किंतु वायु की विरल होने से तापमान घटते हैं। ऊंचाई पर धूल के कण कम होने, वायुमंडल विरल रहने तथा समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने से धूप में तो तापमान एकदम ऊंचा रहता है, जबकि छाया वाले भाग में इसी समय तापमान विशेष नीचे रहते हैं, क्योंकि सूर्य तप से पहले पृथ्वी तल गर्म होता है, उसके बाद वायुमंडल की निचली परतें गर्म होती हैं। यही निचली परतें ऊपरी परतों को गर्म करती हैं। अतः अधिक ऊंचाई पर सूर्य तप का विकिरण भी शीघ्र होता है। इसी कारण तिब्बत के पठार पर जहाँ धूप में चमड़ी जलने लगती है वहीं छाया वाले क्षेत्र में जाने पर ठंड से कपकपी छूटती है। सातवां कारण है धरातल का रंग। कहीं धरातल का रंग हल्का व सफेद है तो कहीं पीला या गहरे काले रंग का होता है। अधिकांश धरातल खुरदरवा ऊबड़ खाबड़ है तो हिम तथा रेतीली मरुभूमि का समतल प्राय रहता है और सफेद होता है। कहीं धरातल पर घने वन तो घास होती है तो कहीं वनस्पति विहीन बंजर क्षेत्र होता है। इन सब का प्रभाव संबंधित धरातल की ओर आते हुए सूर्य तप के अवशोषण के स्वरूप पर पड़ता है। सामान्यतः सूखा, विषम, रेतीला, गहरे रंग के व वनस्पति विहीन तल तेजी से सूर्य तप ग्रहण करते हैं और शीघ्र विकिरित भी कर देते हैं। बर्फ से ढकी सतह अधिकांश सूर्य तप का तत्काल परावर्तन कर देती है, मतलब वापस उसको अंतरिक्ष में भेज देती है। अन्य हल्के रंग के धरातल अपेक्षत धीमी गति से सूर्य तप प्राप्त कर अवशोषित करते हैं, अतः ऐसे क्षेत्रों से ताप विकिरण भी धीरे धीरे होता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में सूर्य तप का शोषण शीघ्र होता है, इसीलिए वहां पर गर्मी अधिक देखने को मिलती है। आठवां, धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति भी सूर्य तप को प्रभावित करती है। साधारण धरातल पथरीले और बर्फीले धरातल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, क्योंकि पथरीला व बर्फीला प्रदेश की सतह चिकनी और चमकदार होती है, अतः ताप को अधिक परावर्तित करती है। आप देखें बर्फीले प्रदेश में आप जाएंगे तो आपको
देखने में कठिनाई हुई कि आपको काले चश्मे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बर्फ से उठती हुई जो तरंगे हैं या सूर्य तप की जो रोशनी है वो आंखों में आपको बिल्कुल अंधा सा कर देंगी। मिट्टियों में भी बलुई तथा बर्बरी मिट्टियों में ताप संचालन तीव्र गति से होने से ताप की प्राप्ति तथा नाश शीघ्र होता है। अगला कारक है वायुमंडल की पारदर्शिता। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा बहुत कुछ वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। वायुमंडल सूर्य तप को 3 प्रकार की क्रियाओं, परावर्तन, प्रकीर्णन तथा अवशोषण को प्रभावित करता है। सूर्य तप की बड़ी मात्रा वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, जल कण, बादल आदि से परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में या शून्य में लौट जाती है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल कणों व गैस अणुओं को से टकरा कर बिखर जाता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया से सौर शक्ति का नुकसान या ह्रास होता है। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें व जल वाष्प सौर विकिरण को सोखती हैं। यह अवशोषित विकिरण ही वायुमंडल को गर्म करता है। इस प्रकार वायुमंडल की पारदर्शिता का सूर्य तप पर काफी प्रभाव पड़ता है। अफ्रीका में सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर ना पाए जाकर उत्तर व दक्षिण के मरुस्थल में पाए जाते हैं, जहाँ की आकाश सदैव स्वच्छ रहता है। बादलों की उपस्थिति सूर्य तप की मात्रा के साथ ही विकिरण की मात्रा को भी प्रभावित करती है। आप देखिए, दिन में सूर्य के जो गर्मी है वो पृथ्वी को प्राप्त होती है और गर्म हो जाती है। रात्रि में ये जो सूर्य से किरणें निकली थी ये वापस आकाश की तरफ लौटती हैं, पृथ्वी उनको वापस आकाश में विकिरित करती है। लेकिन जब रात में बादल होते हैं तो आप देखिए, रातें गर्म होती हैं क्योंकि विकिरण की मात्रा कम हो जाती है और जो गर्मी सूर्य ने से पृथ्वी ने सोखी थी वो वापस अंतरिक्ष में लौटने में नहीं पाती और वो वातावरण में ही रहती है, इसलिए गर्माहट महसूस होती है। 10वां है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सदैव एक समान नहीं होती। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने की स्थिति को उपसौर या सूर्य नीच पेरिहिलियन कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को आती है। पृथ्वी के सूर्य से सर्वाधिक दूर होने की स्थिति को अपसौर या सूर्योच्च एफिलियन कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को आती है। इस प्रकार उपसौर के समय पृथ्वी को अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। यह कारक दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के आगे नगण्य है। फिर भी आकलन के अनुसार अपसौर एवं उपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों तथा सर्दियों की तीव्रता 7% कम होती है। तो आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र आपकी चौथी इकाई के नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए।